हेलो स्टूडेंट्स लास्ट वीडियो में ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है हमने कवर किया था आज हम प्रोटीन सिंथेसिस में इन्वॉल्व नेक्स्ट स्टेप स्टडी करेंगे जो है ट्रांसलेशन और ट्रांसलोकेशन ट्रांसलेशन में एम के अंदर मौजूद जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को प्रोटीन सिंथेसिस के लिए यूटिलाइज़ किया जाता है इसे हम आगे स्टेप बाय स्टेप समझेंगे अच्छे से समझेंगे प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था कि एम जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को कोडिंग लैंग्वेज में डीएनए से अपने अंदर कॉपी करता है ज इज इन दम ऑफ सिक्वेंस ऑफ न्यूक्लियो न्यूक्लियोटाइड्स के अंदर डिफरेंट डिफरेंट नाइट्रोजनस बेसिस होती है दिस इज फर्स्ट स्टेप ऑफ जीन एक्सप्रेशन जीन एक्सप्रेशन की स्टेप है अब हमें यहाँ से आगे बढ़ना है और समझनी है नेक्स्ट प्रोसेस की कैसे सेल के अंदर प्रोटीन सिंथेसिस होता है सो लेट स्टार्ट प्रोटीन सिंथेसाइज करने के लिए एमिनो एसिड्स का होना जरूरी है बिकॉज प्रोटीन आर कम्पोज ऑफ एमिनो एसिड्स जैसे एक दीवार खड़ी करने के लिए आपको चाहिए ब्रिक्स या स्टोन इन सेम वे एमिनो एसिड से प्रोटीन मॉलिक्यूल्स बनते हैं बट इन दिस केस सिक्वेंस ऑफ एमिनो एसिड्स इज इम्पॉर्टेंट इट विल डिसाइड द टाइप ऑफ प्रोटीन प्रोटीन फॉर्मेशन के लिए इन एमिनो एसिड्स को करेक्ट ऑर्डर में असेंबल होना जरूरी है नाउ वी हैव विद जेनेटिक कोडेड ऑन इट राइबोसोम जो एक सेलुलर मशीनरी है राइबोसोम के अंदर ही प्रोटीन सिंथेसिस का काम चलता है एम आर एन ए जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को कैरी करता है और ले आता है साइटोप्लाजम में राइबोसोम के अंदर एम आर एन ए के पास हर एक एसिड के लिए अलग अलग कोड होता है ईच कोड कंटेन्स थ्री न्यूक्लियोटाइड्स नोन एज ट्रिपलेट कोडॉन्स मतलब तीन न्यूक्लियोटाइड्स के कॉम्बिनेशन से यहाँ एक कोड बन रहा है और एम आर एन ए इन कोर्स की मदद से अलग अलग एमेनो एसिड सजेस्ट करना चाहता है जो कि इस पूरे मैकेनिज्म के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मीन्स एम आर एन एज ट्राइंग टू शेयर आइडिया अबाउट एमोनो एसिड सिक्वेंस बट यह प्रॉब्लम यह है कि इन कोर्स को आई I मीन mean, इस स्ट्रेंज लैंग्वेज को रीड कौन करेगा और इंटरप्रेट कौन करेगा सपोज एक इंग्लिश स्पीकर फ्रेंच पर्सन के पास कोई मैसेज देना चाहता है दोनों के बीच कम्युनिकेशन हो नहीं पाएगा क्योंकि दोनों एक दूसरे के लैंग्वेजेस नहीं जानते लेकिन किसी एक लैंग्वेज को ट्रांसलेट करके पर्सन ए से पर्सन बी तक यह मैसेज मीनिंग के साथ पहुंचाया जा सकता है और इस काम के लिए हमें चाहिए एक ऐसा एजेंट जो दोनों लैंग्वेजेस को जानता है जिसकी मदद से हम दोनों के बीच कनेक्शन बिल्ड कर सकते हैं इस एजेंट का काम करता है हमारा टी आर एन ए जिसे ट्रांसफर आर एन ए कहा जाता है टी आर एन अनादर टाइप ऑफ आर एन एम आर एन ए के कोड्स मीन ट्रिपलेट कोडॉन्स

So, tRNA will amino acid to अलग अलग एमेनो एसिड टी आर एन एंटीफाई करके के अंदर, करने का काम करता है प्रोटीन मोलिक्यूल करेक्ट एमेनो एसिड के साथ मैचिंग करने के लिए टी आर एन ए के पास एंटीकोडोन्स होते हैं These anticodons have complementary sequence to the codon on mRNA. Means anticodon is matched for corresponding codon in mRNA. Suppose codon is AGC, then anticodon will be UCG. So, tRNA which has anticodon UCG will add amino acid serine to the growing chain of amino acids. During this process, the ribosome keeps on moving from one end of mRNA to the other end.

सो जींस कॉमन होने की वजह से कुछ कैरेक्टर्स हमें कॉमन दिखते हैं जैसे कलर हाइट एक्सेट्रा लेकिन कई बार न्यूक्लियो में होने वाले कुछ चेंजेस की वजह से जींस में भी चेंजेस आते हैं एंड माइनर डिसिमलिटीज इसे कहा जाता है म्यूटेशन न्यूक्लियो के पोजीशंस अल्टर होने की वजह से म्यूटेशन होता है अगर ये म्यूटेशन हाई एक्सटेंड में होता है इट मे कॉज जेनेटिक डिसऑर्डर लाइक सिकल सेल एनिमिया